नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे क्लास टूशी चैनल में। मैं सुनील, और देखिए दोस्तों, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आएगी इसके रिगार्डिंग मैंने पिछला बार वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आया था कि सर हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि उनको अब तक यही नहीं मालूम कि उनको पढ़ना क्या है। तो बहुत क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले ये कह रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है, बहुत से ये कह रहे हैं कि पहले जो सिलेबस था वही है, 75 नंबर का टेक आएगा और 25 नंबर का नॉन टेक। लेकिन आज मैं आपको एक इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है और इस ये चक्कर क्या है, ठीक है, और कब तक इसका आपको निराकरण मिल जाएगा। तो यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो देखिए, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखिए, यहाँ है समूह चार हाई सेकेंडरी स्तर की जो ग्रुप फोर का जो वैकेंसी है उसके बारे में बात किया गया है। और आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद, ठीक है, यहाँ स्पष्ट दिया गया है। तो देखिए, पहले हमारा आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर आता था 75 नंबर का टैक और 25 नंबर का नॉन टैक, ठीक है, 2016 में पेपर हुआ था, ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसको देखते हुए उसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, देखिए ग्रुप फोर, ये देखिए समूह चार हायर सेकेंडरी 10+2, इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। समूह चार हायर सेकेंडरी 10+2, इसका सिलेबस क्या है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अभिरुचि और कंप्यूटर ज्ञान, ये इसका सिलेबस यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये आप इसको देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई में जो और भर्तियाँ होंगी वो यहाँ इस बिल्कुल ये नहीं दिया कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर की बात की जाती है तो इस उसमें स्पष्ट दिया होता है यहाँ कि प्रशिक्षक, ठीक है, प्रशिक्षण दिया है पहली बात। तो दूसरी बात ये कि यदि सिलेबस ये होता है इसका तो आप यहाँ देखिए ये कब का है, ये 16 फरवरी 2015 का है, ठीक है, और हमारा जो पेपर था वो कब हुआ था, 2016 में हुआ था, तो उस टाइम तो ऐसा नहीं आया था पेपर। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस बदल गया है या फिर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस ग्रुप फोर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ये वाला सिलेबस आ गया, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सिलेबस वही है जो पहले था, 75% का टैक और 25% का नॉन टैक। अब टेक में भी क्या आएगा, नॉन टेक में क्या आएगा, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना टेक्निकल पर ध्यान दीजिए। यदि आप अपना टेक्निकल छोड़ के आपको इसको पढ़ने लगोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसके अकॉर्डिंग पेपर तो नहीं आएगा, पेपर तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, 75% टॉक और टेक और 25% नॉन टेक। तो ये जो पेपर है अब यहाँ दिया है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, सॉरी, यहाँ दिया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसमें जो और भर्तियाँ नहीं होती क्या, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की भर्तियाँ होती इसमें भी होती हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट की भर्तियाँ इसमें भी होती हैं, डाटा इंटरप्रेटर की भर्तियाँ इसमें भी होती हैं। तो ये उन सब के लिए कहा गया, जैसे साइक ग्रेड कंप्यूटर रिलेटेड जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए ये सिलेबस दिया गया है। आईटीआई में ये जो दिए हैं, ठीक है, ये जो दिए हैं जितनी पोस्ट दी हैं, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंटरप्रेटर, इन सबकी पोस्ट आईटीआई में होती है, ठीक है। आईटीआई ट्रेनिंग जो स्कूल होते हैं या आईटीआई ट्रेनिंग जो कॉलेज होते हैं उन सब में ये वाली पोस्ट होती हैं, तो ये उनके लिए दिया गया है, ना कि ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो डाउट था स्टूडेंट के मन में कि सर ऐसा ना हो कि उसके इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है वैसे ही होगा, 75% का टैक आएगा और 25% का नॉन टैक आएगा। तो जिसको भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, जिस उसके सारे के सारे आंसर मैं दूंगा। और इसके अलावा हम लाइव क्लासेस चालू करने वाले हैं, तो साथियों यदि आपको ज्वाइन करना हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी सारी जानकारी आपको दूंगा, और साथ में दोस्तों एग्ज़ाम का जो मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ तो आपका डाउट क्लियर करेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों पढ़ाई चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि वैकेंसी कब आने वाली है आईटीओ की, तो दोस्तों आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।